हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कुकिंग बाय मोनी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ इंडियन की फेमस मसाला डोसा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। चलिए इसकी रेसिपी को झटपट से देख लेते हैं। मसाला डोसा बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले चावल को रात भर के लिए भिगो दिया था, जो कि अच्छे से फूल चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने उड़द दाल ली हुई है, जिसको हमने रात भर भिगोकर इसके छिलके को अच्छे से साफ कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे बिना छिलके वाली भी दाल का यूज कर सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून पोहा लिया है, जिसको हमने नॉर्मल पानी में भिगो दिया था, और ये 1 टेबल स्पून मेथी दाना है, जिसको हमने रात भर के लिए भिगोया था, और ये 1 ग्लास लिया है, जिससे हमने सारा मेजरमेंट रखा है। इससे हमने 2 ग्लास चावल और 1 ग्लास दाल ली हुई है। इसी तरह आप भी 1 ग्लास ले लीजिए, उसे सारा मेजरमेंट रखिए। अब हम चावलों को मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चावल के साथ में ही हमें पोहे को भी पीसना है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, जिसमें हमने चावल को भिगोया था वही पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने चावल को धुलकर भिगोया था। अब हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में खाली कर लेंगे। मेथी दाना डालने से डोसे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और पोहा डालने से डोसा क्रिस्पी बनता है, तो आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर डालिए। अब हम जार में उड़द दाल और मेथी दाना दोनों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसका भी एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम चावल और दाल दोनों के बैटर को एक साथ पीसेंगे, जिससे क्या होगा कि जो बैटर है वो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होगा और डोसा भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, हमने दोनों मिक्सचर को अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में खाली कर लेंगे। अब हमें इसे ऐसे ही रात भर के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर ठंडी का सीज़न है तो बटर को फर्मेंट होने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है, और अगर गर्मी का सीज़न है तो ये 6 से 7 घंटे में आराम से फर्मेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बटर था वो फूल का डबल हो चुका है, और इसमें काफ़ी सारे बबल्स बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। डोसे में सबसे मेन मेज़रमेंट होता है, अगर आपने मेज़रमेंट सही रखा है तो आपका डोसा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब हम इसे कलछी से अच्छे से चलाएंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं करना है, थोड़े ही नमक का यूज़ करना है। नमक को भी हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हमें जो बैटर है वो बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, डोसे का बैटर बनकर रेडी है, और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम डोसे की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे, तेल को गर्म हो जाने देंगे, और इसमें 1 टेबल स्पून राई डालेंगे, 1 टेबल स्पून उड़द दाल डालेंगे बिना छिलके वाली, 1 टेबल स्पून चना दाल डालेंगे, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्ची ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, मिर्ची को भी हम भून लेंगे। अब इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, और इसमें हल्दी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। हल्दी को भी हमें अच्छे से भूनना है, जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। अगर आप चाहें डोसे की स्टफिंग में रोस्ट की हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं चने की दाल की जगह। अब हम इसमें उबली हुई आलू ऐड करेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे मसाले आलू में अच्छे से मिल जाएं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
और नमक को भी आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए हमें ऐसे ही भूनते रहेंगे। आप देख सकते हैं जो आलू है यहाँ पर वो अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें हरी धनिया डालेंगे और धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए डोसे की स्टफिंग बनकर रेडी है। तो अब हम बनाएंगे डोसा। उसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, उसमें स्पैचुला से ऑयल लगाएंगे और तवे पे एक कलछी जितना बैटर लेंगे और उसको धीरे धीरे करके फैलाते जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने लोहे का तवा लिया है उस पर आप डोसा बनाने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर पानी की छींटे देकर उसको अच्छे से पोंछ लीजिए, तभी उस पर डोसा अच्छे से बनेगा। अब हम डोसे पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और डोसा हमें एक ही साइड से सेकना है, दोनों साइड से नहीं सेकना है। डोसा अच्छे से सिक गया है तो अब हम इसमें स्टफिंग लगाएंगे और डोसे को रोल कर देंगे। तो ये देखिए डोसा बनकर रेडी है। इसी तरह हम दूसरा डोसा भी बना लेंगे। वापस से हम तवे पे एक कलछी जितना बैटर डालेंगे और उसको अच्छे से फैलाते जाएंगे राउंड शेप में। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है उसको हमें लो ही रखना है। आप चाहें तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बैटर है उसको आप निकाल सकते हैं। जो डोसा है वो हल्का हल्का ड्राई हो चुका है, जिसमें हम ऑयल लगा देंगे हल्का सा। और ये देखिए डोसा सिक चुका है। वापस से हम इसे रोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी डोसा बना है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस डोसे की रेसिपी को और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे कुकिंग कुकिंग बाय मोहिनी चैनल से।